बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास टेंथ टुडे आई एम हेयर टू इंट्रोड्यूस यू द पोएम अपॉर्चुनिटी दैट इज़ पेन बाय वाल्टर मेलन। ओके क्लास, अपॉर्चुनिटी मीन्स मवाके, चांसेस। इस पोएम के अंदर अपॉर्चुनिटी या चांस ख़ुद हमसे बात कर रहा है और वो कह रही है कि ज़िंदगी के अंदर इंसान को मवाके मिलते रहते हैं और बार बार जो है वो कोशिश करनी चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ओके, द थीम ऑफ द पोएम इज़ हार्ड वर्क, स्ट्रगल, परसिस्टेंस, स्टेडफास्टनेस एंड फोर्टिट्यूड। परसिस्टेंस मीन मुस्तकिल मिजाजी, स्टेडफास्टनेस इस्तेहकाम एंड फोर्टिट्यूड हिम्मत या इस्तकलाल। And figurative language used in the poem are simile, personification, alliteration and imagery. Now first of all we will discuss about the poet. Okay students, I have told you that this poem is penned by Walter Mellon and he was born in 1866 and he died in 1915 and he was born in Mississippi, Tennessee. Let's come to the explanation of the poem now. They do me wrong who say I came no more when once I knock and fail to find you in, for every day I stand outside your door and bid you wake and rise to fight and win. They do me wrong, वो मेरे साथ गलत करते हैं, who say जो कहते हैं I came no more, मैं वापस नहीं आऊँगा। ठीक है, अब चांस हमसे बात कर रहा है और कह रहा है कि जो लोग मेरे बारे में ये समझते हैं कि मैं वापस नहीं आऊँगा तो वो मेरे बारे में गलत कहते हैं या गलत करते हैं। When once I knock and fail to find you in, जब मैं आपके दरवाज़े पे दस्तक देता हूँ और फिर भी नाकाम हो जाता हूँ तुम्हें अंदर पाने में। For every day I stand outside your door, हर रोज़ मैं तुम्हारे दरवाज़े के बाहर इंतज़ार करता हूँ और तुम्हें हुक्म देता हूँ, bid you, हुक्म देना, wake, जाग जाओ, and rise to fight and win, और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। वेल नॉट फॉर प्रीशियस चांसेस पास्ट अवे, इन कीमती मौक़ों के लिए मत रो जो तुमसे छूट गए हैं। वीप नॉट फॉर गोल्डन एजेस ऑन द वैन, इन सुनहरे ज़माने के लिए मत रो जो ख़त्म हो रहे हैं, वैन ख़त्म होना। ईच नाइट आई बर्न द रिकॉर्ड्स आफ्टर डे, हर रात में इस दिन की तारीख को जला देता हूँ। एंड फाइंड द फ्यूचर पेजेस वाइट एज स्नो, और बर्फ़ की तरह साफ और सफ़ेद मुस्तकबिल की तलाश करो। White as snow is simile here. And personification is used in these two stanza and opportunity is talking and saying they do me wrong. ठीक है, वो लोग मेरे साथ गलत करते हैं जो कहते हैं कि मैं ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलता, मैं जो हूँ हर रोज़ जो हूँ आपके दरवाज़े पे दस्तक देता हूँ और आपको जगाता हूँ कि अपनी लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मतलब ये है कि हर रोज़ आपको एक चांस मिलता है ताकि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सही स्टेप उठा सको और बार बार कोशिश करते रहो। आपको चांसेस बार बार दिए जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करो और हार्ड वर्क करो। लेट्स डू द पैराफ्रेज नाउ। दे हार्म मी हु से आफ्टर वन फेलर दैट आई विल नॉट कम अगेन, व्हेन वंस आई नॉक एट योर डोर एंड फेल टू फाइंड यू इन, because daily I stand outside your door and command you to wake up and rise. Let's do the paraphrase of second stanza now. Do not cry loudly that in grief for those precious chances which have passed away, and don't weep for the past success in vain, because each night I burn all the records of the day and at next sunrise every soul is burned again. In this stanza the poet says that we must not grieve over the chances that have passed away and we must not weep over the past success in vain. कि ज़िंदगी में अगर कभी नाकामी का सामना करना पड़ा है तो उसके ऊपर पछताना नहीं चाहिए और जो पहले मौके हमसे गुजर चुके हैं उनके ऊपर रोना नहीं चाहिए, बल्कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है हमें बार बार मिलती है तो हमें नए मौक़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि हर सुबह जो है वो हमें एक नया मौका मिलता है जिसको हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए।